नमस्कार, आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। बस्तर अपने पर्यटन स्थलों के साथ साथ इसकी विशेषताओं के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। बात यहाँ के जलप्रपातों की हो, गुफाओं की हो, गहरी खाइयों या फिर ऊंची पहाड़ियों की हो, बस्तर पूरी तरह से समृद्ध है। बस्तर आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा शहीद पार्क स्थित पर्यटन सूचना केंद्र में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से पर्यटकों को बस्तर घूमने में, यहाँ ठहरने में आसानी हो सके। देखिए, ये कार्यालय ना छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की तरफ से है और ये बस्तर का क्षेत्रीय कार्यालय है। यहाँ पे बस्तर में जितने भी जिले हैं वहाँ पे पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में, विकास के संबंध में बारे में यहाँ से काम होता है। और साथ में यहाँ पे एक पर्यटन सूचना केंद्र करके ऑफिस भी है। यहाँ पे जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं उनको बस्तर के पर्यटन के क्षेत्र के संबंध में जानकारी दी जाती है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ घूमिए, और उनको जो भी सुविधा मुहैया करनी होती है, जैसे गाड़ी हो गया, होटल हो गया, तो हम उनको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और साथ में यहाँ के चित्रकूट के रिसॉर्ट की बुकिंग होती है। और छत्तीसगढ़ में अभी आप कहीं भी जाइए, पर्यटन मंडल की जितने भी रिसॉर्ट होटल हैं वहाँ की आप बुकिंग करा के यहाँ से जा सकते हैं। साथ में हमको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ विजिट कीजिए उनकी चॉइस के अनुसार। जैसे कोई कल्चरल पे इंटरेस्टेड है तो हम उनको बस्तर कल्चर के बारे में बताते हैं और एक पैकेज भी डिजाइन कर देते हैं उनके सुविधा के लिए कि आप यहाँ यहाँ दो दिन रुकिए और फिर आगे जाइए, ऐसे करके। तो हम पहले उनकी जानकारी लेते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। हम चाहते हैं कि पर्यटक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रहे। तो जैसे पर्यटक को कुछ ही जानकारी रहती है तो सिर्फ एक या दो दिन का प्लान करके आता है, लेकिन हम उनको और बताते हैं बस्तर के बारे में कि बस्तर में आर्ट एंड क्राफ्ट है, नेचुरल तो है ही है, साथ में कल्चरल भी है, आप इसको भी देखते जाइए। जैसे कोई आज के टाइम में आया और उसको और आगे बढ़ाना है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मड़ई हो रही है, यहाँ पे मेला हो रहा है, यहाँ पे होम स्टे डेवलप हो गया है, आप वहाँ रुकिए और मेला और मड़ई का आनंद लीजिए और बस्तर के कल्चर को समझिए जी। यहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो बहुत ही अच्छे हैं, पर बारिश में और भी अच्छे हैं। अगर आप नेचर ब्यूटी देखना चाह रहे हैं या वाटरफॉलों को देखना चाह रहे हैं, यहाँ वाटरफॉल की तो वैरायटी है। तो बस्तर का में आने के लिए तो सबसे अच्छे बेस्ट सीजन मेरे हिसाब से तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, अक्टूबर उसके बाद फिर आपका मेला दशहरा आ जाता है तो वो तो और अच्छा हो जाता है। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटकों की सुविधाओं के लिए हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने पर्यटन सूचना केंद्र की स्थापना भी की गई है, जहां पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारियां प्रदान की जाती हैं। जो अभी यहां हमारे कलेक्टर साहब TIC शुरू किए हैं, जो कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो देश विदेश से हैं। यहाँ के बस्तर के बारे में उन्हें पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये नक्सलवादी छवि है। यहाँ बस्तर में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, झरने हैं, गुफाएं हैं, ट्रैकिंग के लिए जगह जगह जंगल हैं, ये सब हैं। क्योंकि यहाँ नक्सलवादी छवि के कारण बहुत लोग आने से डरते हैं यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस पुराने समय में हुआ करता था, लेकिन बस्तर अब पूर्णतः बदल चुका है। जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल से पर्यटकों को बेहद लाभ मिल रहा है। दंतेश्वरी मंदिर के सामने इस पर्यटन सूचना केंद्र से प्रतिदिन जिला प्रशासन की ओर से घूमो बस्तर के तहत एक पर्यटन बस चलाई जाती है। सुबेरे 9:30 बजे से अपना बस छूटती है घूमो बस्तर की। तो इसमें सबसे पहले विजिट करती है चित्रधारा, फिर नारायणपाल विष्णु मंदिर, महेंद्र कुमार, तमड़ा कुमार, चित्रकूट से आपसे जगदलपुर शाम के 5 बजे आती है। पर्यटकों को बस के किराए के साथ साथ गाइड और पर्यटन स्थलों पर प्रवेश शुल्क के रूप में 300 रुपए प्रति व्यक्ति देय होता है। साथ ही साथ इस पर्यटन सूचना केंद्र के माध्यम से हेरिटेज वॉक के तहत दंतेश्वरी मंदिर, जगदलपुर पैलेस, बस्तर दशहरे की कहानियों के साथ साथ मावली माता मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सिरहासार भवन, पुरातत्व संग्रहालय, दलपत सागर, बस्तर आर्ट गैलरी आदि का भ्रमण करवाया जाता है, जिसके लिए 100 रुपए शुल्क निर्धारित है। इस हेरिटेज वॉक के तहत बस्तर की विरासत और संस्कृति को करीब से जानने का अवसर प्राप्त होता है। इस पर्यटन सूचना केंद्र में बस्तर के ही स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ साथ अन्य कलाकारों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं रखी गई हैं, जिन्हें पर्यटक खरीद भी सकते हैं।
बस्तर के रचनाकारों साहित्यकारों द्वारा बस्तर के पर्व रीति रिवाज नृत्य यहाँ की परंपराएं संस्कृति आदि पर रचित पुस्तकें भी यहाँ विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। बस्तर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधाओं के लिए इन पर्यटन सूचना केंद्रों की अहमियत अब बेहद बढ़ गई है। इससे निश्चित रूप से बस्तर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखते रहिए टास्क न्यूज़।